गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पीटी पीरियड। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन अब पीटी कैसे होगी। स्टूडेंट, डोंट वरी, नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल। आप जानते हो, लॉकडाउन हुआ तब से हम इसी तरह पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सबका देखा है। स्टूडेंट्स, आप सपोर्ट भी कर रहे हो एंड आई होप आज से आप पीटी भी ज्वाइन करोगे और मैं जो भी एक्सरसाइजेस आपको सिखाऊंगा वो आप करोगे अपने घर पे। लेकिन एक्सरसाइजेस सीखने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारा जो पीटी है, पीटी का मतलब नॉट प्लेइंग टाइम, पीटी मीन्स अ फिजिकल ट्रेनिंग। और आज जो वर्ड्स यूज किया जाता है पीई, पीई मीन्स अ फिजिकल एजुकेशन। हमारी लाइफ में आप जानते हो बराबर के सबसे ज्यादा मैथ्स एंड साइंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन अगर कोई जो अच्छा सब्जेक्ट है तो वो है पीटी। पीटी के हिसाब से ही हमारी बॉडी का संपूर्ण विकास हो जाता है। पीटी में आप खेल खेलते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, अलग अलग टाइप की योग करते हो, आसन करते हो, बराबर। इससे जो हमारा शरीर है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, आप लंबे समय तक बीमार भी नहीं रहते। लेकिन इसको रेगुलरली करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 5 दिन के आप छोड़ देते हैं। एवरीडे एक लिटल और लाइटली एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तब आपको पता है, और ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हो बराबर, जब पीटी करवाते हैं बराबर, कोई राइट लेग तो कोई लेफ्ट लेग, ये कोई डांसिंग कॉम्पिटिशन नहीं। बट स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, एक बात दिमाग में आप फिट कर लो, जब सावधान और विश्राम किया जाता है, अटेंशन आपको किया जाता है, तब आपका ओनली लेफ्ट लेग ही आपको प्रयोग करना होता है। ओके, दो वर्ड्स आप पहले समझ लो यहाँ पर स्टूडेंट्स। अटेंशन, आपको ऑर्डर दिया जाता है, जो भी पीटी करवा रहे हैं, कोई बॉयज करवा रहा है, सर करवा रहे हैं, आपको ऑर्डर देंगे अटेंशन। तो पहले ऑलरेडी आप अटेंशन में खड़े हो तो फिर अटेंशन कैसे करोगे? नो स्टूडेंट्स, दिस इज द रॉन्ग। आपको जब लाइन में आना होता है, जब आप पीटी ग्राउंड में करते हैं, तो सबसे पहले आपको तो एक लाइन बनानी होती है, और आपका जो डिस्टेंस है वो 1 हैंड का ऐसे नाप लेकर 1 हैंड डिस्टेंस आपको रखना होता है। हर बार देखते हैं, जब 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, उस दिन जब प्रोग्राम्स होते हैं आपको बताना पड़ता है कि थोड़े थोड़े दूर खड़े रहो। और एक और इंपॉर्टेंस बात, आपकी जो हाइट के हिसाब से आपको खड़े रहना होता है। तो ये छोटी छोटी बात आप ध्यान नहीं रखते, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये है कि फिजिकल एजुकेशन हमें डिसिप्लिन सिखाता है। सो व्हाट इज द डिसिप्लिन, व्हाट इज द मैनर? तो डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन सही है आपकी, तो आप कहीं भी पीछे नहीं हटोगे। जीवन में सफल होने के लिए हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन के हिसाब से ही आप अच्छा बेस्ट वर्क कर सकते हो। तो आई होप एक्सरसाइज भी आप डिसिप्लिन में रह के करोगे। जब स्कूल खुलेगी तब भी आप डिसिप्लिन में रहोगे। स्टूडेंट, डिसिप्लिन 2 टाइप की होती है। हम मार मार के आपको डिसिप्लिन सिखाए वो गलत ही है, लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। सेल्फ में खुद की, मुझे ये समझना है कि मुझे लाइन में जाना है। आपको बार बार बोला जाता है कि लाइन में जाओ, बराबर आप भाग के जाते हो, सीढ़ियां उतरते हो, बाय चांस आप गिर गए तो किसका नुकसान? आपका ही होगा ना। धीरे जाओ, 2-5 मिनट लेट नीचे उतरोगे या घर पे 2-5 मिनट लेट जाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पोजिशन, अटेंशन की पोजिशन क्या है एंड स्टैंड इट इज। आप बस, मैंने बार बार देखा है, जब आप पीडी करो तो स्टैंडी स्टैंडी नो स्टूडेंट्स, ये क्लियरली माइंड में फिट करो, इट्स अटेंशन। व्हाट इज अटेंशन पोजिशन? सो दिस इज द अटेंशन पोजिशन। आपके जो 2 लेग्स है वो उसके बीच में यहाँ पर 45 डिग्री एंगल से होना चाहिए, जब अटेंशन की पोजिशन में आप खड़े रहते हो। ओके, और आपकी जो ये पंच है, ये पंच आपके बंद होने चाहिए, आपका ये थम्स खुला रहेगा और इसी तरह आप खड़े रहोगे स्ट्रेट। आपकी जो नजर है वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए, एकदम सामने, किसी के सामने देखना नहीं, यूं यूं कहीं भी देखना नहीं। आपकी चेस्ट एंड जो आपकी दृष्टि है, जो नजर है वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए, लाइक दिस। सो दिस इज द राइट अटेंशन पोजिशन। ओके, सो ये अटेंशन की पोजीशन है। अब मैं आपको बताता हूं विश्राम की पोजीशन क्या है। अटेंशन को गुजराती हिंदी में सावधान किया कहा जाता है, और स्टैंड एट इज, स्टैंड एट इज मींस विश्राम। तो स्टैंड एट इज मींस विश्राम और अटेंशन मींस सावधान। जब लाइन में आप आओगे, पीढ़ी शुरू नहीं होती, आपको विश्राम की स्थिति में खड़े रहना होता है, मीन्स दिस पोजिशन स्टैंड एट इज। ओके, तो ये कैसे खड़े रहते हैं आप? देखो यहां पर सबसे पहले तो आपके जो 2 लेग्स है वहां पर डिस्टेंस आपके
12 या 15 इंच का डिस्टेंस आपको रखना होता है, आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो लॉक हो जाएंगे पीछे, ओके इस तरह आपको खड़े रहना होता है। कोई लोग ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, नो स्टूडेंट्स इट्स रॉन्ग। तो 12 या 15 इंच का डिस्टेंस आप रखोगे, आपके हाथ पीछे लॉक करोगे, इट इज द विश्राम पोजिशन। ओके बैक में कैसे करोगे मैं बता रहा हूं, आप देख लो यहां पर बैक साइड आपको इस तरह ही करना है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना है, बराबर ऐसे भी नहीं करना है, एकदम लाइटली ऐसे ही बराबर दोनों हाथ लॉक करोगे आप इस तरह स्टैंड एट इस पोजिशन में। तो ये विश्राम की पोजिशन है। अब सबसे पहले आप विश्राम की पोजिशन में ही रहोगे तब आपको ऑर्डर दिया जाएगा अटेंशन का, तब अटेंशन करना है, लेकिन अटेंशन में ही हो और अटेंशन में ऑर्डर है वो गलत है। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे अब अटेंशन की पोजिशन में आना है, बराबर अभी मेरी पोजिशन है विश्राम की पोजिशन, तो विश्राम से सावधान में मुझे आना है, मींस स्टैंड एट इज जो पोजिशन है मेरी उसके हिसाब से मुझे जाना है अटेंशन। आपको ऑर्डर इमीडिएटली यहां पर दिया जाएगा अटेंशन जोर से, और आपकी जो वॉइस है स्टूडेंट्स लाउडली होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि वॉइस इतनी लाउडली रखो कि माइक की भी हमें जरूरत ना पड़े। ओके तो हम देख सकते हैं यहां पर आप मैं अभी खड़ा हूं सावधान विश्राम की स्थिति में, और जैसे ही अटेंशन ऑर्डर आपको मिलेगा बराबर आपका लेफ्ट लेग, ये ध्यान रखना है आपको, डोंट यूज द राइट लेग, यूज ओनली लेफ्ट लेग, और वो भी आप कैसे आधे लोग कैसे कर देते हैं, हो गया नो स्टूडेंट्स इसको आपको उठाना है यहां तक, और उठाकर पैर को आप टैप करोगे जोर से जितनी भी स्ट्रेंथ आपकी है। ओके आपको बता देता हूं। ओके तो सबसे पहले आप स्टैंड एट इस पोजिशन में खड़े हो, आपको ऑर्डर दिया जाता है अटेंशन। ओके तो अटेंशन की पोजिशन में आ गए, अब आपको ऑर्डर दिया जाता है स्टैंड एट इस, तो ये लेग आप उठाओगे और उठाने के बाद फिर से यहां पर जोर से टैप करोगे। ओके तो इसी तरह आप स्टैंड एट इस की पोजिशन में से अटेंशन की पोजिशन में आ सकते हो। अब अटेंशन की पोजिशन के बाद आपको स्टैंड एट इस पोजिशन का ऑर्डर दिया जाता है, बराबर ये अटेंशन की पोजीशन है, आपका ध्यान बिल्कुल सामने ही होना चाहिए, बातचीत नहीं करनी है किसी से भी। तो जैसे ही आपको ऑर्डर दिया जाता है स्टैंड एट इज, ओके स्टैंड एट इज, तो लेग उठाओगे एंड देन टैप स्ट्रेंथ फुली और आपके हाथ पीछे लॉक करने हैं। ओके समझ में आ गया आपको, आपको मैं तीन बार करके दिखाता हूं, अटेंशन स्टैंड एट इज, अटेंशन स्टैंड एट इज, अटेंशन स्टैंड एट इज। ओके Use only left leg, और आपका जो लेग है वो यहां तक होना ही चाहिए स्टूडेंट्स, और then आपके लेग्स में जितनी भी ताकत है उसको आप टैप करोगे। तो ये दोनों पोजिशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, वो यहां पर नहीं हम छत पर देखेंगे। ओके तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ये वर्ड्स आपके माइंड में आप फिट कर लो, बराबर जब स्कूल ओपन होगी पूछूंगा मैं अटेंशन कैसे करते, और किसी की भी बारी आ सकती है, ऐसा नहीं कि मॉनिटर सी करेंगे, कोई भी एक्स वाई जेड, और बीडी आपका सब्जेक्ट रहेगा और ये आपको कंपलसरी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है। ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपको मैंने अटेंशन और स्टैंड एट इज की पोजीशन आपको बताई, ये पोजीशन के हिसाब से जब आप लाइन में आते हो आप खड़े रहोगे स्टैंड एट इज मीन्स विश्राम की पोजीशन में। देखते फर्स्ट एक्सरसाइज और कैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज की जाती है, सबको कंपलसरी देखनी है। एवरी सैटरडे स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज और एक आसन मैं आपको सिखाऊंगा। आज का जो ये जो एक्सरसाइज है वो स्टैंडिंग एक्सरसाइज, सबसे पहले हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज करेंगे, सीटिंग एक्सरसाइज भी होती है, तो स्टैंडिंग करेंगे और सीटिंग भी एक एक्सरसाइज हम आज करेंगे। ओके तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको ध्यान में रखनी है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विश्राम की पोजिशन में हो लाइक दिस, और जो 12 इंच का जो फासला है वो आपके लेग्स के बीच में होना चाहिए। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं विश्राम की स्थिति में स्टैंडिंग हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे। अब आपको ऑर्डर दिया जाता है अटेंशन। ओके सो आप लेग को पछाड़ोगे जितना भी पछाड़ सकते हो, सो अटेंशन स्टैंड एट इज अटेंशन। ओके अब अटेंशन करने के बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो एंगल आपका है वो 45 डिग्री का होना ही चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ध्यान से देख लो, बराबर आपको काउंटिंग भी आपको ध्यान में रखना है। ओके सो वन बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए आपके हैंड्स, देन टू नंबर टू पर आप खींचोगे अपने आप को और लेग से अप होना है, बराबर नंबर टू टू देन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेवन सिक्स
5 4 3 2 स्टॉप। ओके, तो लेग से अप होना ही है आपको, ये जितना भी हो सकते हो, काउंटिंग थोड़ा स्लोली ही रखना है और इससे आपका बैलेंस रहेगा कि कैसे आप खड़े रह सकते हो। ओके, आई रिपीट अगेन, एक्सरसाइज नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 स्टॉप। ये एक्सरसाइज ठीक से करना है। अब एक्सरसाइज खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स ऐसे कुछ भी नहीं करना है, आपको यही पोजीशन में रहना है, लाइक दिस अटेंशन की पोजीशन में। एक्सरसाइज जब तक खत्म नहीं होती ये आपकी पोजीशन यही राइट पोजीशन। ओके, तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज नंबर 2 आती है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियरली आप सीख चुके हो, आपको ये ध्यान रखना है बराबर, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लूज नहीं होना है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखना है बराबर, जितना ये खींचना है चुंबक की तरह, अपनी चेस्ट बाहर निकालो और हैंड्स को पीछे ले जाना है। ओके, ऐसे करना है और लेग से आप अपोगे जितना भी हो सकते हो और अपने आप को जितने देर तक खड़े रख सकते हो रखो बराबर, क्योंकि इससे आपका बैलेंस बहुत ही बढ़ेगा। तो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज, अब देखते हैं हम आज की सेकेंड सीटिंग एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं सीटिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आप अपने आप को बैठोगे ऐसे ही बराबर, ऐसे शांति से बैठना ही है, क्लियरली आप ऐसे बैठोगे, आपके हैंड से वो इस तरह आप रखोगे बराबर। जो पहली एक्सरसाइज है उसका ऑर्डर आपको मिलेगा कैसे करनी है एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 1, ये सीटिंग एक्सरसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1 1, और ये भी आपके ईयर के टच टू टच होना चाहिए, 2 3 4, और ऐसी स्थिति में रखो हैंड्स, ऐसे रख नहीं देना है बराबर, 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 स्टॉप। ओके, तो स्टैंडिंग एक्सरसाइज हो गई आपकी और ये सिटिंग एक्सरसाइज हो गई स्टूडेंट। अब आज हम पहला आसन सीखेंगे, पद्मासन। पद्म मीन्स लोटस, इसे कमलासन भी कहा जाता है। तो कैसे करना है ये भी देख लो, आप सबको आता ही होगा ये आसन। सबसे पहले तो आप ऐसे सीधे बैठ जाओगे, आपका जो राइट लेग है उसका अंगूठा पकड़ते हुए आपको अपनी लेफ्ट लेग पर उसको रखना है। उसके बाद ये जो है लेफ्ट लेग उसको राइट लेग पर इस तरह आप रखोगे। और यहाँ पर कमलासन पूरा नहीं होता स्टूडेंट्स, कोई भी आसन के लिए यहाँ मुद्राएं होती है। सो इस स्थिति में मुद्रा में आपको बैक साइड टू स्ट्रेटली आपको बैठना है, आप आंखें बंद करोगे, ब्रीदिंग करना है आपको 10 to 5 times। ओके, तो ये 5 या 10 times आप करोगे, जितना डीपली आप ब्रीथ कर सकते हो करो, और उसके बाद जितनी सेकंड आप रोक सकते हो उसको रोको, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ओके, तो ब्रीथ मैं पहले आपको बताता हूँ, मुंह से ब्रीदिंग कभी मत करना स्टूडेंट्स, आपको नोज से ही ब्रीदिंग करनी है। ओके, तो मुंह बंद होना चाहिए आपका, ब्रीद इन, ओके स्टूडेंट। तो आज हमने सीखा अटेंशन एंड स्टैंड एट इज की पोजिशन, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट स्टैंडिंग एक्सरसाइज, सीटिंग एक्सरसाइज एंड आसन। ये तीन में से कोई भी एक करना है आपको और वो करके आपको वीडियो मुझे सेंड करना है। पहले एक्सरसाइज आप करोगे सीटिंग करो या स्टैंडिंग करो या कोई आसन करो स्टूडेंट, ये दो या एक 2-3 minutes का वीडियो आप बनाओगे अपनी एक्सरसाइज करते हुए। एक और बात, आप अपनी पोजिशन में रहोगे और आपको स्कूल ड्रेस कंपलसरी पहनना है और वो करके ही आपको ये वीडियो आपको सेंड करना है। ओके, अगर नहीं आपको समझ में आया मत करो, आज नहीं करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको बोलूँगा उस टाइम पर आप करोगे। पहले ये पूरा वीक ये वीडियो ध्यान से देखोगे और अच्छी तरह आप पहले प्रिपेयर कर लोगे। ऑर्डर सबको देना आना चाहिए, सबको ऑर्डर समझ में आना चाहिए और ये पोजिशन आपको बहुत ही समझनी पड़ेगी बराबर, क्योंकि आपकी पोजिशन सही नहीं होती है बराबर,
एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो ये विश्राम की स्थिति है, हैंड्स लॉक होगी आपके बैक बैक साइड। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो होगा 12 और 15 इंच का, वो आपको रखना है। ओके, ऑर्डर आपको जब मिलता है बराबर आप अपना लेग्स इतना ही आप ऊपर करोगे। ओके, लाइक अटेंशन, सो देन आप स्टेप करोगे इसे और आपके जो पंच है वो बंद होने चाहिए। एंड स्टैंड एट इज सो लाइक दिस, इसको भी जोर से आपको पंच करना है। ओके, आपको आसन और ये स्टैंडिंग एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सो आप खुश रहो, हेल्दी रहो, और हेल्दी रहने के लिए ही ये हमने पीटी शुरू किया है, आपको स्वस्थ करने के लिए। कोरोना से लड़ना है तो अपने आप को फिट रखोगे, कोरोना तो क्या इतनी भयंकर बीमारी होगी तो भी भाग जाएगी। और अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़रूरी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। आपको आज जो मैंने ये आसन सीखा है, जो भी एक्सरसाइजेस करवाई, ये आपको पूरा नोटबुक में लिखना है कि कैसे एक्सरसाइजेस करनी, अपने हिसाब से ही लिखोगे आप। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज में आपको लिखना है लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली विद यू।